देश भर के नॉमिनेटेड नहीं चुनाव प्रतिनिधियों के तौर पर चुनकर आए। आदरणीय राहुल जी ने सबसे पहले तो घोषणा पत्र की प्रक्रिया को इस बार केवल चंद लोगों के हाथों में सीमित न रखते हुए उस प्रक्रिया को खोला और उनकी ये सोच थी कि ये जो घोषणा पत्र है वो जनता की आवाज इसमें सुनाई देना चाहिए और ये जन भागीदारी से ही ये घोषणा पत्र बनना चाहिए और उसके लिए उन्होंने कमेटी गठित की। उसमें प्रोफेसर राजीव गौड़ा जी हैं, पी चिदम्बरम साहब उसकी निगरानी करते हैं और उसमें अलग अलग विभागवार लोगों को जिम्मेदारी सौंपी। उसमें से जैसे मुझे पंचायत के जनप्रतिनिधियों से, देश भर के पंचायत के नुमाइंदों से और नगरीय निकाय के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से उनकी राय, उनका मशवरा लेने का जिम्मा सौंपा गया। ऐसे देश भर में अलग अलग तबकों से, अलग अलग पेशों से जुड़े लोग और अलग अलग क्षेत्र और भाषा बोलने वाले लोगों से उनके सुझाव विचार लेने का फैसला हुआ और एक सही मायने में एक ओपन प्रोसेस के जरिए घोषणा पत्र को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई।